नमः शिवाय। श्रावण मास कृष्ण पक्ष सोमवार नवमी तिथि दिन में 10 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में दिन में 2:10 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। रोहिणी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, सत्य बोलने वाले, स्थिर बुद्धि वाले, धनवान, धर्म कर्म करने में तत्पर होते हैं। ऐसे जातक सौम्य स्वभाव वाले, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, नाटक कला तथा संगीत में रुचि रखने वाले, सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने वाले, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने के इच्छुक, परोपकारी, ईमानदार मगर दूसरों की कमियों को जानने के इच्छुक भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन वृष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए उच्च के चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हैं। धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग कायम रहेगा। वाणी की सौम्यता और वाक्पटुता में वृद्धि होगी। मानसिक सुकून और माता के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है। आपकी सक्रियता और प्रबल उत्साह की प्रवृत्ति हर काम में सफलता दिलाएगी। हालांकि कुछ कामों में अनावश्यक रुकावट या वाद विवाद की संभावना भी बनती है, मगर अधिकारियों के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्य योजनाओं का विस्तार होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र नीच के होकर पंचम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा के कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में चलने से स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ऊर्जावान महसूस करेंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे और व्यवसाय संबंधी प्रतियोगी भावना आपके अंदर भी विकसित होगी, जो कि कार्य क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध, सूर्य और राहु के साथ वक्री होकर धन भाव में बैठे हैं, मगर चंद्रमा व्यय भाव में चल रहे हैं। धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक विकास में आपकी सकारात्मक पहल कायम रहेगी, जिसका लाभ भी आपको मिलता जाएगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पारिवारिक प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा, मगर कुछ कार्यों में थोड़ा विलम्ब और खर्च का संकेत भी मिलता है। चंद्रमा के स्वयं के नक्षत्र में होने से अधिकतर कार्य पूरे होते जाएंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके मेहनत की सार्थकता सिद्ध होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के राशि स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में चल रहे हैं, मगर आपकी राशि पर राहु, सूर्य और बुध तीनों विराजमान हैं। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि सुखद रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में दृढ़ विश्वास बना रहेगा, जो कि आपकी दक्षता को बढ़ाने का काम करेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर विवादित मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधी चिंता में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, मगर सफलता संभावित है। सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य राहु व बुध के साथ 12वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आपके 10वें घर में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है। व्यावसायिक क्रियाशीलता में मदद मिलेगी और नई कार्य योजनाओं के विस्तार में अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। कुछ मामलों में भाग्यवश लाभ के संकेत मिलते हैं, मगर सूर्य के राहु के साथ होने से कुछ मामलों में आपकी सार्थक पहल कमजोर पड़ सकती है, मगर संतान संबंधी सहूलियतें बनी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
कन्या राशि के राशि स्वामी बुध वक्री होकर सूर्य और राहु के साथ एकादश भाव में बैठे हैं और वृष राशि में चंद्रमा भाग्य भाव में चल रहे हैं। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए सहयोग जारी है, मगर कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है। मित्र व सहयोगियों से भी आर्थिक लाभ की उम्मीद बनती है। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे, जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे। बुध का आपकी राशि से 11वें चलना और राहु से युति स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और व्यापारिक उतार चढ़ाव का संकेत भी देता है। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र 12वें घर में नीच के होकर बैठे हैं और चंद्रमा 8वें घर में वृष राशि में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल में कमी का अंदेशा बनता है। आपकी कार्य योजनाएं बाधित हो सकती हैं। नकारात्मक विचारों का मन में पैदा होना और अनचाही यात्राओं का संकेत भी मिलता है। विवादित मामलों का निपटारा आज के लिए उचित नहीं होगा, मगर नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल उच्च के होकर पराक्रम भाव में केतु के साथ हैं और चंद्रमा उच्च के होकर सातवें चल रहे हैं। रुके हुए काम संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ने से अनावश्यक व्यग्रता, घबराहट और व्यावहारिक तौर पर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, मगर कार्य क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कार्य योजनाओं में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। धनु राशि के राशि स्वामी बृहस्पति तुला राशि में 11वें भाव में हैं और चंद्रमा वृष राशि में 6वें भाव में चल रहे हैं। ऊर्जा स्तर में कमी, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में गिरावट का अंदेशा बनता है, मगर मन में नकारात्मक भावनाओं के साथ साथ एकांत प्रियता और शांत माहौल में रहने की प्रवृत्ति में विकास होगा। स्वास्थ्य पर अनावश्यक खर्च की स्थिति सामने आ सकती है। हालांकि कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। नई कार्य योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि रचनात्मक प्रयासों में मदद मिलेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के राशि स्वामी शनि 12वें घर में वक्री होकर बैठे हैं और चंद्रमा 5वें भाव में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उत्साह के साथ गति आएगी और संबंधित मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों का सानिध्य शामिल होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर बुध के राहु के साथ चलने और शुक्र के 9वें भाव में होने से कुछ मामलों में धन की आवश्यकता, सक्रियता में कमी, कार्यों में बाधा और व्यावसायिक योजनाओं में उतार चढ़ाव संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें। कुंभ राशि के राशि स्वामी शनि 11वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा 4थे भाव में वृष राशि में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी, मगर चंद्रमा पर केतु की दृष्टि से मानसिक स्तर प्रभावित होगा और कामों में रुकावट संभव है। हालांकि निजी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे प्रयास सफल होंगे, मगर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। पहले की चली आ रही योजनाओं में रुकावट या विवाद की संभावना भी बनती है, मगर अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें। मीन राशि के राशि स्वामी शुक्र 8वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 3रे भाव में चल रहे हैं। प्रयासों का दौर जारी रहेगा, मगर दृढ़ विश्वास और सार्थक पहल में कमी की संभावना बनती है।
हालांकि चंद्रमा उच्च के हैं और पराक्रम भाव में चल रहे हैं, आपके थोड़े से प्रयास से रुकते हुए काम बन सकते हैं, मगर सावधानी भी अपेक्षित है। योजनाओं की धीमी गति हो सकती है। हालांकि आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। निजी जिम्मेदारी बढ़ेगी और निवेश लाभकारी रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।